उत्तर कोयल नहर परियोजना का काम पिछले कुछ महीनों से बंद हो गया है। नहर परियोजना का काम बंद होने से बिहार और झारखंड के हजारों एकड़ जमीन पर सिंचाई की संकट उत्पन्न हो गई है। दोनों राज्यों के किसानों को रवि फसल के लिए पानी नहीं मिल पाई थी। आने वाले वक्त में खरीफ फसल के लिए भी किसानों को चिंता सताने लगी है। उत्तर कोयल नहर परियोजना चर्चित मंडल डैम का हिस्सा है। 2019-20 में उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत मोहम्मदगंज भीम बराज से बिहार के गया के आमस तक नहर का लाइनिंग और मरम्मत का काम किया जाना था। पूरे कार्य को वेबकोस नामक कंपनी को आवंटित किया गया था, मगर कंपनी ने कुछ ही महीनों में काम बंद कर दिया है। नतीजा है किसानों को चिंता सता रही है। हम लोग जितने भी किसान यहाँ पे है और सबके धान के समय देता है तो उस भी मन कभी नहर टूट जाता है कभी कुछ, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर रबी में गेहूं के समय तो पानी ही नहीं मिलता है और 2 साल से यही सिस्टम चलते आ रहा है तो हम लोग को दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत नहर और लाइनिंग का कार्य 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। जनवरी 2019 में मंडल डैम के अधूरे कार्य को पूरा करने की आधारशिला रखने के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। 30 महीने में ही योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीब 40 महीने बीत चुके हैं, अभी तक परियोजना का 30% भी काम नहीं हुआ है। परियोजना को पूरा करने को लेकर झारखंड और बिहार सरकार का अंशदान भी देना था। परियोजना की लागत करीब 500 करोड़ रुपए है। हुसैनाबाद के पूर्व विधायक सर राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने बताया कि परियोजना कब पूरी होगी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। नहर का काम बंद है और हम नहीं समझते हैं कि उस समय जो अवधि उसका है टारगेट जो है वो पूरा होगा, क्योंकि भारत सरकार है, राज्य सरकार के पास तो कुछ है नहीं, उसको राज्य सरकार की जानकारी भी होगा। यहाँ के पदाधिकारी से यहाँ से सेक्रेटरी से पूछते हैं, कहते हैं कि तो भारत सरकार का हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। उत्तर कोयल नहर परियोजना के बारे में बोलते हुए परमंडलीय आयुक्त जटा शंकर चौधरी ने बताया कि पूरे मामले में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जानकारी ली जाएगी। किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाना बेहद ही जरूरी है। किन कारणों से काम बंद है इसकी समीक्षा करके काम शुरू किया जाएगा। तो उस संबंध में सिंचाई विभाग के जो मुख्य अभियंता है उनसे उनको मैं बुला के बात करूंगा कि उत्तर कोयल परियोजना में जो हुसैनाबाद का इशू है वो क्या है और कैसे उसका समाधान हो सकता है, और फिर उसके समाधान के प्रति हम लोग काम करेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। उत्तर कोयल नहर परियोजना से पलामू के हुसैनाबाद, हैदरनगर, मोहम्मदगंज, जबकि बिहार के औरंगाबाद जिला के नबीनगर, टंडवा, अंबा, कुटुंबा, देव और गया के आमस के इलाके के खेतों तक पानी पहुंचनी थी। इस परियोजना से झारखंड और बिहार में करीब 11,15,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी है। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पलामू।